हाँ बदला, ये देखो फॉर्मूले मैं ये नहीं खा पाया, ये मैंने आपको लास्ट सवाल था ये करा ना, ये तो बनाया था लास्ट कल, ये तो ना लास्ट सवाल था, ये करो। ये अपने पास फॉर्मूले हैं जो बहुत काम आते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये देखो सवाल करो, ये कहाँ कहाँ आता है
30 पे, 5/6, तब ये कहाँ आता है, 5π/6, 150 पे, और थर्ड पार्ट क्वाड्रेंट में यही वैल्यू कहाँ आती है, 7π/6, और साहब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस की वैल्यू फिर कहाँ आती है, 11π/6, ये आपके एंगल से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस की वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस की वैल्यू। ये बात बहुत खटा, ये वैल्यू 30 पर आई है तो पक्की बात है, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये एंगल अगर थर्ड, ये वैल्यू अगर 30 पे आई ना, तो इस वैल्यू का नेगेटिव दूसरे क्वाड्रेंट में उस एंगल के सप्लीमेंट्री पे आएगा। सप्लीमेंट्री का साहब मतलब हो गया, अब 180 से कम, 180 से कम ना, अर्थात अब 180 से लेस कर दो, 180 में से इसको लेस कर दो। सप्लीमेंट्री का साहब मतलब है कि दोनों एंगल्स का सब कितना हो, 180, तो साहब ये 30 है तो 180 से बनाने के लिए दूसरा क्या होगा, 150 होगा, 150 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यही वैल्यू नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आती है, तो इस वैल्यू में 180 ऐड कर दो, कितना आ गया, पाई प्लस पाई बाय 6, 7π/6 है, ठीक है। अच्छा यही वैल्यू प्लस में फोर्थ क्वाड में आती है, तो ये एंगल 2π से लेस कर दो, ये एंगल 2π से लेस कर दो, तो वो आ गया 2π - θ, ठीक है ना, वही किया मैंने, बात क्लियर है। CNT फॉर्मूला, ये कहने के लिए साहब सी एन डी है, बाकी अब आपकी बुक में जो है एक्स वाई का इस्तेमाल कर रखा है, ए बी का इस्तेमाल कर रखा है, अल्टीमेटली फंडा ये है, साइन ए प्लस साइन बी, इसे आप ऐसा समझ लो, साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, 2 साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस साइन बी, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस, एंगल में शिफ्ट कर दिया तो सी पीछे आ गया और डी आगे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको माइनस बाहर लगाना है तो माइनस बाहर लगा, क्या आएगा, माइनस 2 साइन सी माइनस डी हो जाएगा ना, अभी सर माइनस यहाँ इंक्लूड कर रखा है, माइनस बाहर निकालो वो आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। लो जो फॉर्मूले लिखे हैं अब उन पर बहुत सारे सवाल हैं, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, आपका आराम से आंसर आएगा, ठीक है। इस सवाल के लास्ट में कितना आ रहा है, cot 5 थीटा, कितना, cot 5 थीटा, ये पक्की बात नहीं, यस सर, cot 5 थीटा cot 5 थीटा, कितना है, 7.5, कितना है ये आपका, 37.5, कितना, 37.5, नहीं ये बड़ा ये बड़ा, अब ये आएगा cos 5 कट जाएगा, 10 15 आएगा, 10 15 का लिखोगे, 45 - 30, 10 45 - 30, 10a - b, उसे ओपन कर दो, ये मान आ जाएगा, ठीक है। तो काफी कुछ कट जाएगा, ऑलमोस्ट सब कुछ कट जाएगा बेटा, 1 आएगा, करो ये करो बेटा, cos square 73 plus cos square 47 degree plus cos 73 degree और cos 47 degree, आपको इसका मान निकालना, करो ट्राई करो, देखो ये
ये देखो cos square 73 degree plus cos square 47 को 1 minus sin square 47 लिख लो बेटा। इसके आगे का जो आगे था ना उसमें 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई करो। माइनस साइन स्क्वायर 47 प्लस 1 एक आठ और यहां का 1 बाय 2 बाहर है और 2 कॉस ए कॉस बी के नाम पर क्या आएगा कॉस ए प्लस बी मतलब प्लस में क्या आएगा था कॉस ए माइनस बी कितना आएगा 26 आएगा 26 ठीक है। अच्छा यहां इसकी बात करते हैं ये कितना आएगा था अभी आपका आएगा कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वही कितना कॉस 26 ये प्लस का 1 cos 120 और प्लस cos 26 ठीक है। cos 120 का मान क्या था cos 120 का मान माइनस रूट डिवाइड टू ठीक है ठीक है सेकंड क्वार्टर है सॉरी माइनस 1 बाय 2 एक्चुअली तो माइनस 1 बाय 2
थीटा का आपको जो मान निकालना है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालना है। तो पहले तो ये अपने आप में फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा, फिर आपको उस थीटा को थर्ड क्वाड्रेंट कवर कन्वर्ट करना है। ये आपका टेन फोर आ गया था, तो वो कितना आएगा, तो टेन फोर बराबर टेन थीटा, तो ये आपका आएगा टेन 180 प्लस फोर बराबर टेन थीटा। टेन टेन कट गया, तो थीटा कितना आ गया था 184 आ गया। इसे लिखो, लिख लिया, देखो सर दो बजे से मेरा केमिस्ट्री का क्लास है, तब ये आपको सब याद करने हैं, वो सब छोड़ रहा हूँ लास्ट में, ठीक है। साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, और होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, या फिर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक और भी होता है कॉस टू थीटा फॉर्मूला, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे ही ये फॉर्मूला बनकर आता है वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बनता है वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन सॉरी वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बोलता जल्दी से,